हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? स्टार्ट करें, कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं, खेल तो बहुत रहे हो आप लोग। तो ये वीडियो है क्लास सेवेंथ के बच्चों के लिए। किसके लिए है? क्लास सेवेंथ के बच्चों के लिए वीडियो है। और इसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? रीडिंग करना, पढ़ना, स्टडी करेंगे। ग्रामर क्या पढ़ेंगे बच्चों? ग्रामर पढ़ेंगे। ओके, तो क्लास सेवेंथ के बच्चों के लिए ग्रामर का वीडियो है। आप सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। टेक्स्ट बुक कौन सी है आपके पास? ये देखिए, जैसे कि मेरे पास है। ये कौन सी है? एक्सीलेंट की ग्रामर। ये देखिए से एक्सीलेंट ग्रामर क्लास सेवन है। इसको आपको ओपन करना है। ओपन कौन सा पेज आप ओपन करेंगे? फर्स्ट कौन सा? द सेंटेंस। ओके, द सेंटेंस। तो सेंटेंस तो आप लोग जानते हैं सभी लोग कि सेंटेंस क्या होते हैं, क्योंकि आप इसके पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस आप जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कि जो वर्ड्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है जो कंप्लीट मीनिंग शो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर यहां पर हम लोग सेंटेंस हेडिंग एस ई एन टी ई एन सी सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस आपने मेंशन कर लिया। फेयर कॉपी ओपन करके रखिए और इसी पैटर्न से आपको राइट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या राइट करेंगे सेंटेंस की? डेफिनेशन राइट करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, डेफिनेशन भी है इसमें। ये देखिए स्क्वायर, ये जो बॉक्स है आपका, इसमें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। ओके, डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे। कंप्लीटेड, डेफिनेशन राइट कर लिया। चलिए फिर से देखिए, यहां पर जो एग्जांपल्स हैं, नीचे आपको एग्जांपल्स देखना है। पहला एग्जांपल्स है आई न्यू हैव पेन। आई न्यू हैव फिर इसके बाद है पेन और अ। आई न्यू हैव पेन अ कोई सेंटेंस है? अरे नहीं, ये तो रॉन्ग ऑर्डर है इसका। आई न्यू हैव पेन अ बिल्कुल ऑर्डर सही नहीं है। और जब वर्ड्स का ऑर्डर प्रॉपर नहीं होता तो वो क्या होता है? वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं आती। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रॉपर ऑर्डर पर लिखेंगे। देखिए, द हाउस वाटर देयर नो इज इन, सेकेंड नंबर टेक्स्ट बुक में ओपन कर रखा है टेक्स्ट बुक आपने, उसका सेकेंड एग्जाम्पल देखिए क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल में द हाउस वाटर देयर नो इज इन कंप्लीट सेंटेंस है? नो, नॉट अ कंप्लीट सेंस, बिकॉज जो प्रॉपर ऑर्डर है वो वर्ड्स का नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे प्रॉपर ऑर्डर पर। तो इसको जब प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे? आई हैव अ न्यू पेन। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें राइट करवा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल और अदर एग्जाम्पल्स भी आप ऐसे राइट कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल्स ये ए नंबर एग्जाम्पल था। बी नंबर आप टेक्स्ट बुक से कंप्लीट कर लीजिए। कौन सा बी नंबर? ये सेकंड नंबर एग्जांपल, द हाउस वाटर देयर नो इज इन, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो टू एग्जांपल्स कर लिए आपने। ओके, चलिए इरेज करते हैं और एग्जांपल्स के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं कि आखिर एक सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होती है, वो जो फिनिश होता है वो कैसे होता है सेंटेंस। तो आगे हेडिंग है हमारी पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, और ये फोर पॉइंट्स हैं। ये हमको रिमेंबर करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेंटेंस को राइट करने में। फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों? अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर तो आप जानते हो, ये तो यूकेजी के बच्चे भी जानते हैं, है ना, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर। तो जब भी हम किसी सेंटेंस को राइट करते हैं, कभी भी किसी सेंटेंस को जब स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज किससे? कैपिटल लेटर से। तो हमें ये भी राइट करना है और पॉइंट्स को रिमेंबर करना है। जितने भी रेड कलर पे लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो हमको पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। चलो देखते हैं कैसे इसको कैपिटल लेटर, अगर हम ऐसे लिख दें माय ब्रदर इज अ प्लेयर। माय ब्रदर इज अ प्लेयर कंप्लीट है? नो, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर है माय, माय का एम वो स्मॉल है, और अगर ये स्मॉल है तो फिर हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे इसको? हम इसको इरेज करेंगे इसे और क्या करेंगे? एम को कैपिटल करेंगे ऐसे। अब देखिए, तो जो फर्स्ट पॉइंट था अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। अ सेंटेंस बिगिंस, बिगिंस मतलब स्टार्ट, शुरू होता है किसे? कैपिटल लेटर से। तो एम हमने कैपिटल कर दिया, हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया।
आगे समझ में इतना। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट में है द वर्ड्स इन द सेंटेंस मस्ट बी रिटन इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। तो अब इसमें क्या है, द वर्ड्स ऐसे शब्द जो सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं मस्ट बी रिटन जरूर लिखे होने चाहिए इन अ प्रॉपर ऑर्डर एक सही क्रम में, जिससे कि क्या हो सके टू मेक अ कंप्लीट सेंस। वो आपने एग्जांपल देखा आई न्यू हैव पेन आ रॉन्ग सेंटेंस था क्योंकि उसका ऑर्डर सही नहीं था, फिर हमने उसको कंप्लीट कर लिया। ऊपर देखो एग्जांपल में ये देखिए आई हैव अ न्यू पेन, मीन्स जो वर्ड्स होते हैं उनका ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब सेंटेंस जब फिनिश होगा, जब सेंटेंस का लास्ट होगा तो कैसे होगा, या तो फुल स्टॉप होगा ऐसे, ओके, या फिर क्या होगा क्वेश्चन मार्क होगा या इंटरोगेशन मार्क। देखिए लिखा उसमें थर्ड नंबर पे अ सेंटेंस एंड्स विद, एक सेंटेंस एंड्स होता है, फिनिश होता है, समाप्त होता है, किसके साथ होता है, या तो कोई फुल स्टॉप होगा या मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा और या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा ऐसे। तो फिर अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप होगा, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क होगा, और अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो जब सेंटेंस ओवर होता है, सेंटेंस जब फिनिश होता है, एंड होता है, तो लास्ट में हम कोई ना कोई मार्क का यूज करते हैं, और फिर जब यहां से न्यू सेंटेंस स्टार्ट करेंगे फिर से कैपिटल लेटर हो जाएगा। तो फिर हम ये कैसे समझेंगे, ये देखिए फिर से अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये थ्री टाइप्स के मार्क्स होते हैं आपके सेंटेंस को जब फिनिश करते हैं हम लोग, जब सेंटेंस खत्म करते हैं, एक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये समझ में आ जाएगा, ये आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा फिफ्थ क्लास में, सिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सिंपल सेंटेंस होता है फुल स्टॉप यूज कर देते हैं, जब क्वेश्चन पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन हो गए तो क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। आप लोग साइंस में, एसएसटी में या इंग्लिश रीडर में या हिंदी में बहुत सारे प्रश्न लिखते हो, क्वेश्चन लिखते हो ना, फिर क्वेश्चन के लास्ट में आप क्या यूज करते हो, क्वेश्चन मार्क यूज करते हो कि फुल स्टॉप। हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, और जब उसका आंसर राइट करते हैं तो फुल स्टॉप यूज करते हैं। मीन्स जो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा उसमें हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन यूज करेंगे, और जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस होगा, वहां पर हम यूज करेंगे फुल स्टॉप। इतना समझ आ गया। तो फिर आगे लास्ट देखिए अ सेंटेंस हैज अ वर्ब इन इट। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बिना इस पॉइंट को समझे आप लोग सेंटेंस को आप नहीं समझ पाओगे। वर्ब, ये वर्ब क्या होती है, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्रिया। वैसे तो आप इसको डिटेल में, आगे टॉपिक होगा, आप उसको वहां पढ़ोगे, लेकिन कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब के कंप्लीट नहीं होता। मींस कोई ना कोई वर्ब चाहिए। चलिए हम फिर से एग्जांपल देते हैं। पीछे एक एग्जांपल आपने कौन सा राइट किया, आई हैव अ न्यू पेन, आपने राइट किया ना एग्जांपल। तो जब आपने लिखा आई हैव अ न्यू पेन तो हैव उस पर मेन वर्ब है ना, आई हैव न्यू पेन में क्या है, हैव मेन वर्ब है। फिर इसके बाद आपने क्या राइट किया, देयर इज नो वॉटर इन द हाउस, देयर इज नो वॉटर इन द हाउस, तो वहां पर इज मेन वर्ब है। मीन्स हर सेंटेंस में एक ना एक मेन वर्ब होती है, कोई ना कोई वर्ब होती है, विदाउट वर्ब वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो फिर वर्ब के टॉपिक में और आप डिटेल से पढ़ोगे। तो ये फोर पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्या था, वंस अगेन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, आपको बता दिया एग्जांपल में। सेकंड क्या है, द वर्ड्स इन द सेंटेंस मस्ट बी रिटन इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। सेकंड आपका ये पॉइंट हो गया कि जितने भी वर्ड्स हो प्रॉपर ऑर्डर पे लिख। क्या हुआ, हेलो, अरे सही से देखो, बोर होने लगे क्या, अरे अभी तो पूरी किताब पढ़ी हुई है, पूरी टेक्स्ट बुक है। हाँ, बन सके। सेकंड पॉइंट क्या था कि जो सेंटेंस, जो सेंटेंस के वर्ड्स हो प्रॉपर ऑर्डर पर लिखे होने चाहिए तो क्या होगा, एक कंप्लीट सेंस आएगा। आएगा, हेलो, सुन रहे हो, वेरी गुड, अरे अच्छे बच्चे हो आप, अभी समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, अ सेंटेंस एंड्स विद अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप, या तो फुल स्टॉप हम यूज करेंगे। वंस अगेन देखिए आपको मार्क बता देंगे, फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेशन मार्क और या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ये थ्री मार्क्स इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, इनको आपको समझना है। जब आप क्वेश्चन लिखते हो साइंस, एसएसटी या इंग्लिश रीडर में फर्स्ट पेपर में, तो क्वेश्चन मार्क यूज करते हो, और जब उसका आंसर लिखते हो तो फुल स्टॉप। ये एक्सप्लेन कर दिया। एंड फाइनल इज अ सेंटेंस हैज अ वर्ब इन इट।
कंप्लीट सेंटेंस में वर्ब होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए अगली हेडिंग हम लोग मेंशन करेंगे द फ्रेज। तो आपको इसमें कौन कौन सा रिटन वर्क करना था अभी तक जो आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी, फिर उसके एग्जांपल्स लिखे, और इसके बाद ये जो फोर पॉइंट्स है रिमेंबर, ये आपको पूरे फोर पॉइंट्स अपनी नोटबुक में आपको राइट कर लेना है, लर्न भी कर लेना है, सभी की मीनिंग्स भी पता होनी चाहिए। और इसके बाद अब हम लोग हेडिंग मेंशन करेंगे कौन सी, द फ्रेज। अब आपको समझना है कि द फ्रेज क्या होता है, ये फ्रेज क्या है, ऐसे हेडिंग मेंशन, वेरी गुड, है ना। पेन से राइट करना है, पेंसिल से नहीं, और हेडिंग ये ब्लैक पेन से होनी चाहिए, बहुत सारा आपको पता है क्योंकि आप लोग फिफ्थ में भी पढ़ चुके हो, सारा कुछ वैसे ही है। अब देखिए हम लोग आगे ग्रीन कलर से, आपके टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक है ना सबके पास, नहीं है तो मंगवा लीजिए टेक्स्ट बुक, बिना टेक्स्ट बुक के कैसे आप लोग रीडिंग करोगे। द फ्रेज लिखा है, लिखा है ना द फ्रेज, समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। अब फ्रेज आपको समझना है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्रुप होता है वर्ड्स का, वो कंप्लीट सेंस शो कर देता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल कंप्लीट सेंस, ऐसा ये वर्ड्स का ग्रुप है कि कंप्लीट सेंस है मैं स्कूल जा रहा हूं। लेकिन कई बार इन द पार्क, इन द पार्क, इन द हाउस, घर में, घर में कंप्लीट सेंस है, नो नॉट अ कंप्लीट सेंस, तो फिर हम लोग इनको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ओके तो फिर आपको फ्रेज और सेंटेंस में फर्क समझना है। फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस के अंदर ही एक पार्ट होता है जो इनकम्प्लीट होता है, बट वो किसी सेंटेंस में यूज होकर के उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। देखिए हम लोग एग्जांपल देखेंगे नीचे, अ फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब, एक फ्रेज में क्या नहीं होती, वर्ब नहीं होती, बट सेंटेंस में होती है। दोनों में देखो डिफरेंस आ गया, सेंटेंस में वर्ब होती है और फ्रेज में वर्ब नहीं होती। एग्जाम्पल्स में वर्ड नंबर, द बॉय रैन अक्रॉस द पार्क, ब्लू कलर में देखो अक्रॉस द पार्क लिखा है ना, ये देखो लिखा है द बॉय रैन अक्रॉस द पार्क, अक्रॉस द पार्क में कोई मेन वर्ब है नहीं है, तो फिर ये सेंटेंस नहीं हुआ, ये फ्रेज हो गया। और सेकंड में देखिए, आई विल वेट फॉर हर नियर द हाउस, यहां पर विल वेट में जो ब्लू है ये सेंटेंस के लिए है, तो इसमें क्या है, मेन वर्ब है, तो फिर ये फ्रेज नहीं होगा। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है और उसमें जो ब्लू में आपका लिखा है अक्रॉस द पार्क, वो क्या है, वो हमारा फ्रेज है। बट सेकंड सेंटेंस में देखेंगे जहां लिखा है विल वेट, आई विल वेट, तो फिर वो तो मेन वर्ब हो गई, तो मेन वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो फिर वो फ्रेज नहीं होगा, वो सेंटेंस का अदर पार्ट होता है। तो समझ में आ गया। चलिए अब फ्रेज को हम और अच्छे से समझेंगे, एक एग्जाम्पल यहां देखते हैं, वो तो आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, जरा यहां देख लीजिए, ठीक है। देखिए लिखा है माय फादर इज वर्किंग, माय फादर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। ओके अगर हम माय से लेकर के फैक्ट्री तक, ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं सब प्रॉपर ऑर्डर पर लिखे हैं, कंप्लीट सेंस हो गया, वेरी गुड। लेकिन यहां पर क्या है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है, ये हमारा फ्रेज है, कौन सा, इन अ फैक्ट्री, क्योंकि इसमें कहीं मेन वर्ब नहीं है। तो फ्रेज क्या होता है, इसमें मेन वर्ब नहीं होती, फैक्ट्री में, मतलब सेंस तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं। कंप्लीट सेंस कैसे होगा ये, जब हम माय फादर इज वर्किंग, मेरे पिताजी काम कर रहे हैं इन अ फैक्ट्री, अब क्या हुआ, अब ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो ये सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता माय फादर इज वर्किंग, और ये फ्रेज हमने ऐड कर दिया। ओके अगर हम बच्चों इस फ्रेज को ना भी यूज करें तो माय फादर इज वर्किंग तो भी कंप्लीट सेंस है, मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, हमने फ्रेज ऐड कर दिया इन अ फैक्ट्री, तो इस फ्रेज में मेन वर्ब नहीं है। तो समझ में आ गया यहां तक, तो फ्रेज तक आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आपको ऐसे और, ये तो हमने आपको फर्स्ट एग्जांपल 2, 3 और 4, ये आपको 3 एग्जांपल्स, ये आपको अपने मर्जी से लिखना है, सेल्फ, आपको सेल्फ कंप्लीट करने हैं एग्जांपल्स, ऐसे ही 4 एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स आपको और राइट करने हैं, और ये सारा कंप्लीट करके रखना। इसका सेकंड पार्ट जल्दी से हम लोग आपको देंगे, लेकिन बी केयरफुल,
अभी कोई ना कोई मैम या सर, और अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो हम खुद आएंगे आपके यहाँ क्या ये चेक करने, जो हमने आपको राइट करवाया उसको चेक भी तो करेंगे कि आपने लर्न किया कि नहीं किया। फिर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से राइट करेंगे, इसको अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, फ्रेज पता होना चाहिए और मेन वर्ब या वर्ब कहाँ लगती है, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे फिनिश होता है, ये सब आपको अच्छे से पता हो जाएगा। तो जल्दी सब लोग इसके सेकंड पार्ट को भी बनाएंगे कल। ओके बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।